बारनगर नाम का गांव समुन्द्र के करीब हुआ करता था। वहां के लोग मछली पकड़कर जीवन गुजारा करते थे। जीवाराम नाम का व्यक्ति भी उसी तरह मछली पकड़कर जीवन गुजारा करता था। उसके बेटे का नाम था शिवाराम। पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने लक्ष्मी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। उनकी मीना नाम की बेटी पैदा हुई थी। लक्ष्मी हमेशा शिवाराम को तकलीफ पहुंचाती थी, मारती रहती थी। शिवाराम एक दिन खाना खाते वक्त, माँ मछली की सब्जी बहुत अच्छी बनाई हो, मुझे और थोड़ा परोसो ना। तुम्हारे पिताजी के पकड़े मछलियों में आधे तो तुम ही ठूस लोगे लगता है, जितना खाया है वो काफी है, अब उठो उठो, आओ माँ मीना ये लो और थोड़ा खाओ। वो देखकर जीवाराम बहुत दुखी होता था। एक बार जीवाराम अचानक गुजर गया, तब लक्ष्मी शिवाराम से, रे कमीने, क्या फूटी किस्मत लेकर पैदा हुए हो, पैदा होते ही माँ को मार दिए, अब पिता की जान भी ले लिए, इतनी फूटी किस्मत है तुम्हारी, तुझे घर पर रखूं तो कल मैं भी मर जाऊंगी लगता है, चुपचाप घर के बाहर निकल जाओ, बोलकर उसे निकाल दी। बेचारा वो रोते हुए वहां से चला गया। अगले दिन मछलियों के मार्केट आया, वो वहां मछली बेचने वाले को देखा। मुझे भीख मांगना पसंद नहीं है, कोई काम करने की सोचूं तो छोटा बच्चा होने के कारण कोई काम पर भी नहीं रखता, कुछ तो करके मेरी भूख मिटानी होगी, सोचा। फिर समुन्द्र में कूदकर हाथ से मछली पकड़ने लगा, फिर लाकर मार्केट में बेचकर पैसे कमाने लगा। एक बार वो पानी में तैर रहा था तो पानी के नीचे एक पक्की सड़क दिखाई दी। इतने में दूर से उसे मनी बस आते हुए नजर आई। वो वाहन रुकते ही उसमें से दो राक्षस उतरे। अब्बा छी 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 छी, ये सोने का लोड लेकर जाना, वापस लेकर आना बहुत बेकार काम है, सही खाना और नींद भी नहीं हो रही है, छी छी। इसीलिए तो माय डियर बेबी यू रास्ते पर रोका, यहाँ अच्छी अच्छी मछलियाँ मिलेंगी, आओ उन्हें पकड़ कर खाते हैं। तब दोनों वाहन से चले गए। तब शिवाराम बस में देखा तो बहुत ज्यादा सोना दिखाई दिया, फिर वो लेकर बाहर आ गया। इतने में राक्षस वापस लौटे। अब्बा मछलियां बहुत स्वादिष्ट थी डार्लिंग, खाने से और ज्यादा खाने का मन कर रहा है। डोंट वरी माय डियर डार्लिंग, हम रोज यहाँ बस रोककर उन्हें पकड़कर खा कर ही जाएंगे, ठीक है ना, कम ऑन लेट्स गो। फिर बस वहाँ से निकल गई। शिवाराम ऊपर तैरते हुए वापस आ गया, उन पैसों से एक बड़ा सा बंगला खरीद लिया, मिनी कार में घूमने लगा, लोगों में पैसे भी बांटने लगा। वो देखकर लक्ष्मी, इसे भला इतने पैसे कैसे मिले, वो रहस्य पता लगाना होगा, सोची। अगले दिन बेटी के साथ उसके घर आई। बेटा शिवराम कैसे हो, मुझे माफ करो बेटा, ऐसे ही गुस्से में कुछ कह दिया था, तुम्हें इतने पैसे मिले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बहुत मुश्किल में है बेटा, हमारी मदद करोगे। माँ ये क्या ऐसे बात कर रहे हो, अब से आप और बहन मेरे पास ही रहना, मैं आपको बुलाने की सोचा था लेकिन आपका गुस्सा ना हो जाए सोचकर नहीं बुलाया, अब क्या हो गया, ये घर ये जायदाद सब अपना ही तो है, आइए मेरे साथ रहिए। कितना बड़ा दिल है तेरा बेटा, वैसे इतने पैसे तुम्हें कैसे मिले बेटा, अगर कोई राज की बात हो तो मत बताना बेटा। माँ बेटे में क्या राज होता है माँ, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाऊंगा, कहते हुए जो हुआ सब बता दिया। अगले दिन लक्ष्मी अपने बेटी के साथ समुन्द्र के पास आई। मीना तुम यहीं रखो, मैं समुन्द्र में जाकर जितना सोना मिले उतना लेकर आ जाती हूँ, कहकर पानी में कूद गई। इस तरह पानी के अंदर वाले रोड की तरफ आई। इतने में दूर से मनी बस आते हुए नजर आई। राक्षस बस से उतरकर मछलियां पकड़ने गए। वो बस में आकर देखी और बाप रे बाप, इतना सारा सोना है यहाँ तो, ये पूरा सोना मुझे चाहिए, इस पूरी दुनिया को मैं खरीद लूंगी, सोची। इस तरह लालच में आकर ज्यादा सोना लेकर जाने की प्रयत्न कर रही थी। इतने में राक्षस वहां आ गए, दोनों से पकड़कर खूब पीटे।
हे भगवान, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो, मत मारो, यूं कहने लगी। फिर वे उसे छोड़ दिए और वो वहां से तैर कर चली गई। फिर बस वापस चली गई। ऊपर आने के बाद बेटी मीना, देखिए माँ, आपकी लालच की वजह से कितना नुकसान हुआ। भैया साफ दिल से उसके साथ रहने के लिए बोले थे ना, वहाँ रहने में आपको क्या परेशानी है माँ? पैसों के लालच के कारण जान पर बनाई थी, अब से कम अच्छे इंसान में बदल जाओ। फिर सबक सीखकर लक्ष्मी दोनों बच्चों को बराबरी से देखकर खुशी से रहने लगी। गोकना नाम के गाँव में सोनू वाला नाम का एक धनवान रहता था। उसके महल के बगल में ही कन्हैया नाम के गरीब की झोपड़ी की बस्ती थी। कन्हैया मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े तैयार करते हुए परिवार की देखभाल करता था। सोनू वाले के बेटे का नाम था स्क्रू वाला, कन्हैया के बेटे का नाम था शुभम। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। शुभम को हमेशा क्लास में फर्स्ट मार्क्स आते थे। वो देखकर स्क्रू वाला को बहुत जलन होती थी। एक दिन टीचर, बच्चों पढ़ाई बहुत अच्छी चीज होती है, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ही भविष्य अच्छा बनेगा। तुम लोग बड़े होकर क्या क्या बनने की सोच रहे हो, एक एक करके बताओ। टीचर, मैं MBBS पढ़कर डॉक्टर बनने की सोच रही हूँ। मैं गरीबों को मुफ्त में वैद्य सेवा करना चाहती हूँ। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ मैडम, मुझे कार बाइक बहुत पसंद है। अलग अलग टाइप के मॉडल्स बनाकर कम दाम में गरीबों को देना चाहता हूँ मैडम। मैं बड़ा होकर बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए इन गरीब लेकिन बुद्धिमान शुभम जैसे लोगों को काम पर रखूंगा। महीने महीने की तनख्वाह मुंह पर फेंक कर उनकी होशियारी मैं अपने व्यापार में उपयोग करूंगा। वही है इन गरीब और मेरे जैसे धनवान में फर्क। वो सुनकर सारे बच्चे ही यूं हंसे। यू आर एन इडियट, तुम्हारे पिताजी की कमाई जायदाद देखकर इतना घमंडी मत बनो। गरीबों को यूं नीचा देखना ठीक नहीं है, पढ़ाई हर किसी के लिए जरूरी होती है। स्टूपिड फेलो। ओके स्टूडेंट्स, तुम लोग मिनिएचर विलेज तैयार करके कंपटीशन के लिए लेकर आओ। जो भी अच्छा बनाएगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। कौन कैसे बनाएगा, किससे बनाएगा, ये उनकी मर्जी है। उस दिन घर पर स्क्रू वाला छोटे छोटे घर, गली, करंट के स्तंभ, करंट वायर्स सब लेकर विलेज बनाया। उनमें अलग अलग किस्म के वाहन भी रखा। वो देखकर उसकी माँ, अरे बेटा, खुद से सोचकर तैयार करने के लिए ये प्रोजेक्ट दिए थे, इतने पैसे डालकर हमसे क्यों खरीदवाया, इतना खर्च करवाया, इसके बाद भी फर्स्ट प्राइज नहीं आया तो इज्जत ही नहीं रहेगी, कहकर चली गई। जो मम्मी कह रही है वो तो सच ही है, वो शुभम बहुत होशियार है, वो जरूर मुझसे अच्छा कुछ बनाएगा, उसे किसी भी परिस्थिति में बहुमान नहीं मिलना चाहिए, सोचा। घर पर शुभम के पिता, बेटा ये प्रोजेक्ट के लिए सोनू वाला जी कीमती चीजें खरीदे हैं, ये मैंने देखा, मुझे माफ करो बेटा, मैं उतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। पिताजी, ये सब तो खुद के दिमाग से तैयार करने वाली चीजें हैं, अब दुखी मत होइए, हमारे पास बहुत सारा मिट्टी है ना, मेरे लिए वही काफी है। इस तरह शुभम फिर एक मिनी क्ले विलेज तैयार किया, उन पर रंग भी लगाया, अलग अलग किस्म के क्ले के वाहन भी उसमें रखे। दीवार के दूसरे तरफ से वो देखकर स्क्रू वाला दंग रह गया था। फिर पानी के पाइप से उस पर पानी डाल दिया, बस वो मिनिएचर विलेज पूरी तरह से गल गया। अगले दिन आकर देखा तो शुभम बहुत दुखी हुआ। स्कूल में स्क्रू वाला का मिनिएचर देखकर सब जब ताली बजा रहे थे तो टीचर ने उसे ट्रॉफी दी। वो देखकर शुभम बहुत दुखी हो गया। स्कूल के बाहर स्क्रू वाला, क्यों भाई शुभम, प्राइज नहीं आया सोचकर दुखी हो, जाने दो बेचारा, वैसे कल क्या बारिश हुई थी ना, वो भी देखो तुम्हारे प्रोजेक्ट पर ही बरसात हुई है, मैं देखकर तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया था। यूं हंसते हुए चले गया। तब शुभम को वो काम उसी ने किया है ये बात समझ में आ गई। उसके घर के पास वो दुखी बैठा था, तभी एक मिट्टी का घड़ा लुढ़कते लुढ़कते उसके पास आया। उसे, बेटा शुभम, तुम दुखी मत हो, जो हुआ मैंने वो सब देखा, मैं मायावी घड़ा हूँ, अब से तुम जो भी मिट्टी से बनाओगे उसमें सच में जान आ जाएगी, हवा पानी या अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुभम तुरंत उस घड़े को नमस्कार किया। वो फिर एक मिनी क्ले बाइक बनाया। वो उस पर जा रहा था तो सब आश्चर्य होकर उसे देखने लगे।
स्कूल में सारे बच्चे वो देखकर दंग रह गए थे। वो देखकर स्क्रू वाला जलकर राख हो गया था। चुपचाप बिना किसी के नजर आए जाकर उस पर पानी फेंका, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। अगले दिन शुभम मिनी क्ले कार में स्कूल आया। मिनी क्ले जीप, मिनी क्ले ट्रैक्टर, ऐसे हर दिन एक एक किस्म के गाड़ियों पर आने लगा। उस रात स्क्रू वाला उन पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश किया, लेकिन उन्हें आग नहीं लगी तो वो हैरान रह गया था। अगले दिन शुभम मिनी क्ले लॉरी में जब स्कूल आ रहा था तो स्क्रू वाला अपने मिनी कार में तेजी से आकर उसे टक्कर मार दिया। बस उसकी कार टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। वो उड़कर पत्थर पर गिर पड़ा। वो खड़ा होकर चोट देखकर यूं रोने लगा। इतने में लोग वहां इकट्ठा हुए। क्यों रे, तुम ही मेरे प्रोजेक्ट का नाश किए, मुझे पता है, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं हर दिन एक एक नए नए व्हीकल में आता हूँ तो तुम्हें क्या है? हम जैसे गरीब लोग खुश रहे तो तुम जैसे अमीर देख नहीं सकते क्या? हम हमेशा तुम धनवान से झुक कर ही रहे क्या? तुम मेरे वाहन को नाश करने की प्रयत्न किए लेकिन वो नहीं हुआ। तुम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। कम से कम अब से अपनी सोच बदल कर अच्छे से जियो। मुझे माफ करो शुभम, मैं अब से वैसा गलत काम नहीं करूंगा। मेरा घमंड तोड़कर मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगा। शुभम फिर गांव में सबको मुफ्त में वाहन बनाकर देने लगा। उसे लोग इस्तेमाल करते हुए खुशी से जीने लगे। इस तरह स्क्रू वाला शुभम अच्छे दोस्त भी बन गए।